दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में उन सभी एंट्रीज को कवर किया था जिसके थ्रू फीमेल कैंडिडेट्स इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकती है। वीडियो की लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज की वीडियो में हम उन सभी टेक्निकल एंट्रीज को देखेंगे जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लस टू टेक्निकल एंट्री स्कीम की। TES एंट्री अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने प्लस टू पास कर ली है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ सब्जेक्ट विद एग्रीगेट 70% और अबव। एज क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट्स की एज 16.5 टू 19.5 इयर्स होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। ये एंट्री का नोटिफिकेशन साल में दो बार मई और जून और अक्टूबर या नवंबर मंथ में रिलीज किया जाता है और इस एंट्री से कैंडिडेट को परमानेंट कमीशन दिया जाता है। ट्रेनिंग डिटेल्स की बात करें तो टोटल ट्रेनिंग ड्यूरेशन 5 इयर्स का होता है जिसमें प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग 4 साल की होती है। फर्स्ट ईयर की ट्रेनिंग OTA गया में दी जाती है और बाकी 3 साल की ट्रेनिंग ME पुणे या MCTE महू या MCEME सिकंदराबाद में होती है। इसके बाद कैडेट्स को इंडियन आर्मी में एज लेफ्टिनेंट कमीशन दिया जाता है और कमीशन के बाद ऑफिसर्स की 1 साल की पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग CME पुणे और MCTE महू और MCEME सिकंदराबाद में होती है। वैकेंसी की बात करें तो इस एंट्री के लिए पर कोर्स अराउंड 90 वैकेंसीज होती है। अब बात करते हैं TGC एंट्री। TGC एंट्री अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने BE या BTech कंप्लीट कर ली है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट्स की एज 20 टू 27 इयर्स होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। ये एंट्री का नोटिफिकेशन साल में दो बार अप्रैल या मई और अक्टूबर या नवंबर मंथ में रिलीज किया जाता है और SSB जुलाई टू अक्टूबर और जैन टू अप्रैल मंथ में कंडक्ट किया जाता है। इस एंट्री के लिए इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में पढ़ रहे एस्पिरेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सभी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की 1 साल की ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में होगी जिसके बाद उन्हें इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन मिल जाएगा इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। अब आता है SSC Tech। SSC Tech शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री है जिसके लिए वो अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिन्होंने BE या BTech कंप्लीट कर ली है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट की एज 20 टू 27 इयर्स होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। इस एंट्री की नोटिफिकेशन जून या जुलाई और दिसंबर या जनवरी मंथ में रिलीज की जाती है और इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में पढ़ रहे एस्पिरेंट्स भी इसके लिए एलिजिबल है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की 49 वीक्स की ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में होती है जिसके बाद उन्हें इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता है। तो ये थी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए सभी टेक्निकल एंट्रीज। और इन एंट्रीज में अप्लाई करने के लिए आप joinindianarmy.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।